और यहाँ पे हमने आमरेस भी लगाया जो कि ZXI मॉडल में आपको देखने को मिलता है। ये एक मारुति जेन्युइन प्रोडक्ट है, तो ये भी आप अपनी एलेक्सा ब्रेजा में लगवा सकते हैं। तो इसमें हमने जो स्पीकर अपग्रेड करें, हमने इसमें लगाए हैं ये JBL के स्टेज 3 कॉम्पोनेंट, जो कि फ्रंट में हमने ये लगाए जो 500 वॉट पीक जिसकी रहती है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो यहाँ पे कनेक्ट है पूरा वायरलेसली, तो आप एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो भी वायरलेस इसमें आप चला सकते हैं। अब इसमें हमारे पास एक ब्लैक पार्ट वाला स्टेयरिंग आता है जो कि ZXI मॉडल में आता है, वो भी हमारे पास इन हाउस मिल जाएगा आपको, उसकी कॉस्टिंग कम होती है कंपेयर इससे करें। तो आज हमारे पास है ये ब्रांड न्यू ब्रेजा जो कि 2023 मॉडल रहने वाला है। तो ये जो ब्रेजा हमारे पास है ये LXI वेरिएंट है, जो सबसे बेस्ट मॉडल आता है, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा आती है बेस टू टॉप अपग्रेड होने के लिए। तो ये कार जो हमारे पास है ये खरगोन से आई है, और जो कस्टमर है वो बुरहानपुर में रहने वाले हैं, तो ऑलरेडी वो हमसे एक वीक से टच में थे, तो वो हमारे ये वीडियो देख कर आए थे। तो टोटल इसमें पूरा बेस टू टॉप पूरा काम हुआ है। तो बात करें इसकी फ्रंट की प्रोफाइल की, तो फ्रंट प्रोफाइल में इसमें फॉग लैम्प नहीं आते बेस मॉडल में LXI में, तो हमने इसमें फॉग लैम्प ओरिजिनल इंस्टॉल करें। साथ ही साथ लुक के लिए हमने इसमें लगाए फॉग लाइट क्रोम, जिससे लुक एनहांस हो जाता है। और अपर में ऊपर हम LED लगाने वाले थे, पर कस्टमर का प्रेफरेंस नहीं था, उनको लाइटिंग में येलो ही रहने देनी थी, और वो सेटिस्फाई थे अभी करंट लाइटिंग से, तो आप वो भी अपग्रेड कर सकते हैं आपकी कार में। तो अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में, दिखाते हैं हमने उसमें क्या अपग्रेड करा है। तो बात करें इसकी साइड की प्रोफाइल की, तो जो कंपनी से स्टॉक टायर आते हैं तो उसमें अलॉय नहीं आते, उसमें स्टील रिम्स आती हैं बेस मॉडल में, तो उसको रिप्लेस करके हमने इसमें लगाए 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील, जो कि टॉप मॉडल ZXI प्लस में आते हैं, तो हमने इसमें वही लगाई है। ये मारुति जेन्युइन एसेसरी रहने वाली है, तो ये एक एक चीज़ पर बारकोड रहता है और ब्रांड न्यू रहने वाले, तो ये हमने टॉप मॉडल वाले इसमें अलॉय व्हील इंस्टॉल कर दिए, तो ये भी आपको इन स्टॉक हमारे स्टोर पर अवेलेबल हो जाएंगे सारी कार्स के लिए। तो ये जो स्टील रिम्स इसकी निकलती हैं वो हमने बैक साइड पर रखी, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये कुछ ऐसा कुछ इसका लुक आ रहा अलॉय लगने के बाद, तो आप भी आपकी गाड़ी में अलॉय लगवा सकते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा लुक एनहांस हो जाता है गाड़ी का। साइड की प्रोफाइल एनहांस करने के लिए हमने यहाँ पे एक क्रोम गार्निश ऐड करी है, जो कि टॉप मॉडल में भी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे विंड वाइजर भी ऐड हुए हैं, जो कि मारुति जेन्युइन रहने वाले हैं। और यहाँ पे रूफल्स ऐड हुई हैं, इसमें आपको दोनों कलर हमारे पास इंस्टॉक मिल जाएंगे, सिल्वर ब्लैक एंड फुल ब्लैक। तो कस्टमर की प्रेफरेंस फुल ब्लैक की थी, तो हमने इसमें फुल ब्लैक इंस्टॉल करा है, जिससे लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है गाड़ी का लगने के बाद। तो रियर की प्रोफाइल में हमने यहाँ पे एक क्रोम गार्निश ऐड करी है, जो कि आपको ZXI प्लस वेरिएंट में मिलेगी, जो कि एक एसेसरी पार्ट होता है, ये भी आपको मारुति जेन्युइन मिलेगी हमारे पास इन स्टॉक। अब आपको दिखाते हैं जो कंपनी इसमें स्टील रिम्स आती हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं, तो ये स्टील रिम रिप्लेस करके हमने इसमें ओरिजिनल सारे जो अलॉय लगाए हमने मारुति जेन्युइन लगाए, और ये व्हील कैप्स जो आती हैं ये बेसिक मॉडल में कंपनी प्रोवाइड करती है, तो ये रिमूव करके हमने इसमें अलॉय व्हील लगाए, जो कि 16 इंच डायमंड कट रहने वाले हैं। तो रियर में हमने इसमें ये मारुति जेन्युइन पार्सल ट्रे भी लगाई है, तो ये भी आपको इंस्टॉक हमारे पास मिल जाएगी। तो इसमें आफ्टर मार्केट भी मिल जाती है, बहुत सारी जगह पे आफ्टर मार्केट दे देते हैं मारुति जेन्युइन बोलकर, पर ये जो आपको मिलेगी ओरिजिनल मारुति के पैकेट में मिलेगी और MRP के साथ में मिलेगी, तो ये मारुति जेन्युइन प्रोडक्ट है, ये भी इसमें इंस्टॉल्ड हुआ है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, आपको दिखाते हैं इंटीरियर में हमने क्या चीज़ें करी हैं इसको एक बेस टू टॉप बनाने के लिए। तो अब हम आगे इसके इंटीरियर की प्रोफाइल में, तो आप दिखाएंगे आपको इंटीरियर हमने इसमें क्या क्या चीज़ें अपग्रेड करी है। सबसे पहले आ जाते हैं, हमने इसमें ZXI प्लस वाला स्टेयरिंग अपग्रेड करा है, जिसमें आपको पूरी ये स्टिचिंग मिलती है और यहाँ सिल्वर पार्ट मिलता है और पूरे कंट्रोल्स मिलते हैं फ़ोन के और वॉल्यूम के। जो पहले LXI मॉडल में स्टेयरिंग आता है कुछ इस टाइप से आता है, ये काफ़ी बेसिक स्टेयरिंग होता है, आपको यहाँ स्टेयरिंग रैप नहीं मिलता देखने को, कंट्रोल्स कुछ भी नहीं होते हैं और सिल्वर पार्ट भी नहीं होता है। इसमें हमारे पास एक ब्लैक पार्ट वाला स्टेयरिंग आता है, जो कि ZXI मॉडल में आता है, वो भी हमारे पास इन हाउस मिल जाएगा आपको, उसकी कॉस्टिंग कम होती है कंपेयर इससे करें, बाकी उसमें स्टेयरिंग रैप नहीं मिलेगा आपको और ये ZXI प्लस वाला रुक नहीं मिलेगा। तो हमने इसमें स्टेयरिंग गियर चेंज करा है कंप्लीट, ये भी एक मारुति जेन्युइन प्रोडक्ट रहने वाला है, ये भी आपको इन हाउस हमारे पास मिल जाएगा। तो कंपनी से LXI वेरिएंट में म्यूज़िक सिस्टम भी नहीं आता, तो इसमें हमने जो स्पीकर अपग्रेड करें, हमने इसमें लगाए हैं ये JBL के स्टेज 3 कॉम्पोनेंट, जो कि फ्रंट में हमने ये लगाए जो 500 वॉट पीक जिसकी रहती है, और हमने जो रियर में लगाए हमने इसमें JBL के कोएक्सल लगाए, जो कि स्टेज 3 कोएक्सल रहने वाले, इनका साउंड आउटपुट काफ़ी अच्छा है। अगर आप एक क्वालिटी साउंड आउटपुट लगा रहे हैं और बजट फ्रेंडली भी आपको लगाना है, तो आप ये स्पीकर पर जा सकते हैं। और इसमें हमने STP कंपनी की डैम्पिंग करी, जो कि मेड इन इटली रहने वाली है, जिसके हम सिनेमेटिक आपको शेयर कर देंगे। हमने इसमें सिंगल लेयर डैम्पिंग भी करी है, जिससे गाड़ी में एक नॉइज़ कैंसिलेशन, एक साउंड प्रूफिंग का काम करती है और एक ऑडियो क्वालिटी भी उससे एनहांस होती है। तो आप भी अपनी गाड़ी में साउंड डैम्पिंग मस्ट करवाइए अगर आप एक ऑडियो का काम करवा रहे हैं। तो इसमें कंपनी से LXI वेरिएंट में सीट भी जाती है, वो नॉर्मल सीट आती है फैब्रिक वाली, इसमें सीट कवर भी नहीं आते, तो हमने इसमें सीट कवर भी इंस्टॉल करें, हमने ब्रेजा के प्रॉपर बकेट वाले सीट कवर इंस्टॉल करें। जो फिटमेंट इसकी हुई है, फिटमेंट अभी नॉर्मल करवाई कस्टमर ने, क्योंकि उनको अपनी सीटों को कटवाना नहीं था, तो इसमें आपको बकेट फिटिंग भी हो जाएगी, और अगर आपको नॉर्मल फिटिंग चाहिए तो नॉर्मल फिटिंग कुछ स्टेप्स होती है, अगर आप बकेट करवाएंगे तो और अच्छी फिनिशिंग क्वालिटी फिटिंग की आ जाती है। तो हमने जो इसमें लगाए ये प्रॉपर बकेट लगाए, यहाँ पे आपको परफोरेशन देखने को मिलेगा
और यहाँ पे ब्लैक रेड आपको स्टिचिंग मिलेगी, तो हमारे पास कलर ऑप्शन बहुत सारे हैं अवेलेबल, आप लगवा सकते हैं। और यहाँ पे हमने आमरेस भी लगाया जो कि ZXI मॉडल में आपको देखने को मिलता है, ये एक मारुति जेन्युइन प्रोडक्ट है, तो ये भी आप अपनी LXI ब्रेज़ा में लगवा सकते हैं। ये पूरा मूविंग रहता है, एडजस्टिंग भी रहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ भी लगवा सकते हैं। ये भी मारुति जेन्युइन प्रोडक्ट रहने वाला है। तो LXI वेरिएंट में यहाँ पे प्लेयर भी नहीं आता है कंपनी से, हमने जो उसमें प्लेयर इंस्टॉल करा है, हमने ये ऑनक्यो ब्रांड का इंस्टॉल करा है जो कि 1100 मॉडल रहने वाला है। ये 2+32GB आता है विद एप्पल कारप्ले वायरलेस के साथ में। और अगर साउंड क्वालिटी की बात करें, टच क्वालिटी की बात करें, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का ये स्टीरियो रहने वाला है। एक जापानीज ब्रांड है ऑनक्यो, तो अगर आपको एक प्रीमियम क्वालिटी का स्टीरियो लगवाना है, आपका बजट अच्छा है, तो आप ऑनक्यो ब्रांड का लगवा सकते हैं। तो हमारे पास स्टीरियो में और भी वैरायटी है लाइक कम बजट में, और अगर आपको ऑनक्यो से और बेटर ऑप्शन चाहिए तो वो भी हमारे पास है। बट अगर बजट वाइज और क्वालिटी वाइज देखें तो ऑनक्यो अभी के टाइम में सबसे बेस्ट ब्रांड है, तो आप इस पर रिलाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको इसकी साउंड क्वालिटी चेक कराएंगे कैसी का ये स्टीरियो क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है, और जो स्पीकर हमने इसमें इंस्टॉल करे हैं, जो डैम्पिंग हमने करी है, कैसी क्या साउंड क्वालिटी इसमें आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो यहाँ पे कनेक्ट है पूरा वायरलेसली, तो आप एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो भी वायरलेस इसमें आप चला सकते हैं। अब आपको इसकी साउंड क्वालिटी हम चेक कराएंगे। ऐसी कुछ इसकी साउंड क्वालिटी थी, बाकी साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, लाइक कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। डैम्पिंग हमने करी उसके बाद डिस्टॉर्शन पूरा इसमें क्लियर हो गया, और जो स्टीरियो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जो स्पीकर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका मैचअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। लाइक अगर एक वूफर बेस की बात करें तो काफ़ी अच्छा रहा है। तो यहाँ पे हम आपको इसके इक्वलाइजर दिखाएंगे कंप्लीट, जिसमें आप अपने साउंड की सेटिंग कर सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पूरे इसमें DSP है पूरा, तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सब वूफर इसमें मिल जाता है, तो जिसमें आपको जितना आपको बेस चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग इसमें चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको स्पीकर की लाउडनेस बढ़ानी हो, सराउंडिंग बढ़ानी हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सारी कुछ चीज़ आपको ये प्लेयर के अंदर मिल जाएगी। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी प्लेयर प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर आपका बजट है तो आप इस प्लेयर पर जा सकते हैं। अब जो कस्टमर है, जो ब्रेज़ा ओनर है, अब हमारे साथ में उनसे रिव्यू लेते हैं कि टोटल उनको ये काम कैसा लगा है। तो भैया आप हमारे पास आए, आपने हमारा काम देखा हुआ, तो आपको टोटल ये काम कैसा लगा? जैसे हम कल पहुँचे थे तो हम तो फिजिकली मतलब जो YouTube वीडियो होता है उसको देख के हम फ्रेंड्स कार में आए थे। हाँ। कि अच्छा काम होता है, अच्छी एसेसरीज मिलती है, जो तो दाम भी है जो ठीक ठाक है। तो हमने जैसे कल खरगोन से कार कलेक्ट की, हम सीधा न्यू फ्रेंड्स इनसे कॉन्टेक्ट में थे और सीधा यहाँ पे पहुँचे। तो कल इन यही हमारे लिए रुके हुए थे, करीबन 12-12:30 बजे तक हमारे लिए रुके हुए और काम किया गाड़ी में, बहुत अच्छा काम किया। ठीक। और ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगा कि जैसे बाहर से काम किया हो, सॉकेट टू सॉकेट काम किया है इलेक्ट्रिक का, जैसे वीडियो प्लेयर लगा हुआ है, इसमें साउंड सिस्टम लगा हुआ है, इन्होंने हर क्वालिटी हमको चेक कराई, जैसे सोनी का हो, JBL का हो, कि आप एक बार साउंड क्वालिटी चेक कर लो किस टाइप का आपको ठीक लग रहा है, किस टाइप का आपको नहीं ठीक लग रहा है। तो साउंड क्वालिटी चेक करवाई आपको, जो ये हमने अपर फ्रेम लगवाया है सिल्वर कलर में चेक करवाई, ये ब्लैक फ्रेम में चेक करवाई, आपको जो क्वालिटी ठीक लग रही है उसमें करवाओ। तो हमको ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि मतलब बाहर से काम करवा रहे, बिल्कुल कंपनी से जेन्युइन पार्ट लगवाया है और बढ़िया फिनिशिंग। मतलब जो आपको सारी चीज़ें बताई, आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करी, और जो पार्ट सारे यूज़ हुए जेन्युइन पार्ट यूज़ हुए हैं,
बिल्कुल जेन्युइन पार्ट यूज हुए हैं, कोई इसमें कोई दोहराई नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन। मतलब जैसे अलॉय व्हील से लेकर अपन बात करें, स्टेयरिंग की बात करें, हमारे आपको हर एक चीज़ के डब्बे दिखाए गए थे कि आपको ये मारुति का डब्बा है, ये ऐसा डब्बा है, आपको दिखाया गया था? बिल्कुल दिखाया गया था हमको, और उसका रेट वगैरह सब कुछ बताया गया था कि आपको कॉस्टली या कैसे पड़ेगा या आपके लिए कौन सा ठीक रहेगा कौन सा नहीं ठीक रहेगा। और आपको डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला वो भी बता दीजिए आप। डिस्काउंट भी मिला है, आप अगर काम करवाते हो आपको आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, डिस्काउंट भी मिलेगा। मतलब ओवरऑल अगर आप अपना एक्सपीरियंस रेट करना चाहे लाइक 1 to 10 कि आपको हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस मिला काम कर रहे हैं, क्यों आपने कहीं और काम भी कराया होगा फिर आपने हमारे पास भी काम कराया है, तो आपको टोटल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका 1 to 10 की बात करें? मैंने तो फर्स्ट टाइम काम करवाया वैसे कार का, क्योंकि मेरी ये फर्स्ट फैमिली कार है जी जी, तो मेरा एक्सपीरियंस तो लगभग मैं 1 to 10 तक 8 रेटिंग देना चाहूँगा इनको। ठीक है, थैंक यू सर। तो यही थी बेस टू टॉप, ये ब्रेजा की पूरी वर्किंग। तो ये जो हमारे पास आया था 2023 का अभी लेटेस्ट लॉन्च, अभी कल कस्टमर ने गाड़ी उठाई, तो अगर आप एक ब्रेजा ओनर या प्लान कर रहे हैं ब्रेजा ग्रैंड विटारा फ्रॉन्क्स कोई भी मारुति गाड़ी या कोई भी गाड़ी प्लान कर रहे हैं आप लेने के लिए, तो आपको पता है आपको कहाँ पर आना है, आपको आना इंदौर में न्यू फ्रेंड्स कार डेकोर में, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जेन्युइन और कम रेट पर और एक क्वालिटी वाला काम। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़ की आपको इंक्वायरी, तो आप नीचे कॉल भी कर सकते हैं और एड्रेस भी हमारा मेंशन हो जाएगा, और हमारा इंस्टाग्राम भी पेज है, फेसबुक भी पेज है, और यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी हो। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी गाड़ी पे देखनी है, तो हम उस पे कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।